गाइस अभी मैं और मर्सी बात कर रहे थे कि एक दिन अगर हरीश जी ने अपना वो बना लिया है इंस्टाग्राम अकाउंट तो वो भी वेरीफाई हो जाएंगे कि कुक एट SATL गेमिंग हाउस हम दोनों नहीं होंगे। वेलकम बैक हो गया है, मोटा हो गया भाई, हो गया भाई, मैं हो गया, इनको हैवी जिमिंग चाहिए, हो गया, पेट निकल गया, पेट निकल गया, वो पानी इनको लगेगा अब जबरदस्त मेहनत लगेगा सारा इनका गया, पेट वेट निकल आया। सुनो हमारा था वो अंदर जा रहा है, इसका पेट वैसा है थुलथुला वाला पेट, कुछ नहीं है अंदर, हवा है, पानी है, सांस छोड़ो। तो तुम्हें क्या लग रहा है इतनी देर से हम रोका हुआ है क्या? अंदर दबा के वो टैक्टिक्स होता है, हमको मालूम है, हम भी करते हैं। वाह, अब मतलब तुम यकीन करना ही नहीं चाहते। वो नहीं देखे हो मैन विल बी मैन वाला ऐड, लिफ्ट में ऐसे करके तो अब तो बाहर चला जाएगा कि अब भी नहीं जाएगा कि मतलब अभी भी रोका हुआ हूं मैं। माफिया सीधा बैठ, ये देख तू सुबह भी अंदर कर रहा है। नहीं ले, यस ये बोले नहीं ले। आज हमारे स्पेशल गेस्ट द रूबी जी भी आ चुकी हैं और मिस्टर पर सिंह भी स्पेशल अपीयरेंस आ गए हैं गेमिंग हाउस में। कैसा गया तुम्हारा सफर वेकेशन? कितना अच्छा लगा। हाँ हमारे यहाँ तो भाई बेकार होली बनती है। एक बंदा बोल रहा था कि यार काश मैं वहाँ होता तुम्हारे पास, यहाँ पे तो बेकार होली बनाते हैं। भाई जो तुम्हें चाहिए रहता है मजे बाहर जब वो वॉकिंग करते हैं तो उधर क्या दिखा रहे थे भाई? तुम्हें दिखा रहा हूँ मजे क्या होली में, क्या रंग तो चाहिए वो भी नहीं चाहिए था भाई। फिर क्या चाहिए? सोना था मैं, सोना था सो इधर भी जाते इधर सो रहे सो गाइस अपना जिम का टाइम हो चुका है और बहुत ज़्यादा भूखा हूँ मैं। मुझे नहीं पता था जिम का मतलब होता है कि मेरे ऊपर जुल्म करा जाए, पर जुल्म हो रहा है गाइस। शख्स वन एंड शख्स टू मिलके मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, मुझे खाने नहीं दे रहे हैं। पी लो, मुझे भूख लगी थी और कह रहे हैं पी लो। मुझे रिमाइंड कराइएगा गाइस, जब इंसान को भूख लगती है तो वो पीता है और जब प्यास लगती है तो वो खाता है। ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गर्म है। मज़ा आ गया। सब कुछ गलत हो रहा है आज के दिन मेरे साथ, आज का दिन खराब जाने वाला है। गाइस राइड फॉर टुडे टू द जिम, लेट्स गो। गाइस भाई लोग अपने से मिलने आए, कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया। तुम गुजरात से आए हो? मैं इधर का ही हूँ। तुम इधर के ही हो? ये तन्मय जैसा नहीं लगता, तन्मय माली। चलो अब हम चलते हैं जिम जाना है, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू। आज का डे ख़त्म जिम का एंड हैवी आर्म्स डे था आज, सारा लोड सिर्फ आर्म का था, पता नहीं ऐसा मज़ा आया। लेकिन मैं सिड भाई का वेट का वो बढ़ गया है, 15 किलो हो गया है, मेरा 10 किलो पे है, मेरा भी आएगा। जब तक मैं 15 पे पहुँचूँगा सिड भाई 20 पे पहुँच चुके होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, साथ में करते तो हम साथ में 20 पे होते हैं। उनका कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ नहीं है, अगर जितने बार मैं गया उतने बार मामा भाई आते तो हम लोग साथ में 20 किलो। हफ्ता 8 दिन जो है मैं गया था ना, एक्चुअल में आपका फॉर्म इनसे ज्यादा अच्छा है, आपका बढ़ना चाहिए था उल्टा। तो मेरा स्ट्रेंथ मतलब प्री स्ट्रेंथ इनसे ज्यादा कम है ना, लेकिन प्री स्ट्रेंथ तो मेरा सिड भाई से कम है ना। ऐसा थोड़ी होता है, मेरे में कौन सा स्ट्रेंथ है? नहीं मतलब थोड़ा तो होता है यार, ऐसा नहीं होता यार।
आप जितना वर्क करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलते रहेगा। अच्छा मतलब अगर कोई जिम नहीं जाता होगा तो मतलब दुनिया के सारे लोग 20 किलो का पैकेट उठा सकते हैं? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं। हां तो मतलब किसी में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है किसी में कम होती है ना। अभी तक उठाया 20 किलो? नहीं लेकिन इनका मैंने शुरुआत से देखा था डे वन से कि इनके अंदर स्ट्रेंथ था, मेरे अंदर मोबिलिटी वैसा ज्यादा था। कुछ नहीं है आपके दिमाग में, बस आप कर सकते। जैसे इनका काम है हमारे दिल को खुश करना, इनकी बात को मत जाना। आप करिए, हम जाते हैं एक प्लेट पानी पूरी टिक्की। तो मैं साथ में स्किप कर लेता हूं मेरा जिम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं आपको करना जरूरी है। छपरी बॉय से तुम छपरी जो बोलता है वही होता। कट गाइस, मिल ली अपने प्यारे बॉय से। तुम प्यारे ले चलो यार, भाई बन यार घूम भी नहीं यार। मेरे को ले गए थे तब दोस्ती नहीं थी हमारी यार। नहीं थी? नहीं तब नहीं थी। पहली जो इनकी मीटिंग हुई थी ना, सो वो मॉर्टल था तब मैं था, तो ये कह रहे मेरे से दोस्ती नहीं थी। पहली फर्स्ट एवर मीटिंग जो इनकी हुई थी, मैंने कुछ दिन पहले फोटो भेजी एरो सिटी में, कुछ दिन पहले फोटो भेजी थी। हाँ। तो मैं पहचान गया था वो कितना गंदा आदमी हो सकता है। मैं भी पहचान गया था हाथ ज्यादा कितना जो है मतलब ये चीप आदमी ना, घटिया हो सकता है ये लड़का। ये मैंने पहले दिन ही भाप लिया था इसके जाते ही, मैंने मॉडल को बोल दिया था मत ले इसे। मेरे निकलते ही सोचा था गलत जगह जा। सुन लिया सुन लिया तुम लोगों ने। आई एम वेरी डिप्रेस्ड। आग लगाने वाले काम चालू हो गए। आग लगाने वाले भाई, मैं लगा जिम जाएगा बंदा थोड़ा स्ट्रेस होगा तो ये सब चीजें भूल जाएगा। आग कैसे लगाते तुम तो यार, लगा ही पड़े हो यार। हेलो स्ट्रीम करने चलो। स्ट्रीम आप लोग गवाए गाइस, इसने क्या बोला है। वेलोर स्ट्रीम करने चलो। आज रोड टू वेलोर का गाइस स्ट्रीम है, क्राफ्टन का नया गेम लॉन्च हुआ है, मजा आएगा आज के लिए। प्रोफेशनल लोग ऐसे होते हैं गाइस, दिखा रहा था आप लोग ऐसे होते हैं। कैसे सकते हैं इतना लंबा बाल, तेरी पड़ गई क्या? ये कौन है, ये कौन है, पांव में भी इतने बाल है। मैं जैसे ऐसे कर रहा हूं ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे ना, देखियो बस पूछिए तुम। नहीं बहुत गंदे कमेंट आते हैं मेरे लिए, इसका ऑडियंस को क्यों लगता है गे है। नहीं लगता है तो लगता है, वो कमेंट में लिखते हैं ऐसे। कोई नो ऑफेंस अगेंस्ट गेज बट आई एम नॉट गे। पटी पड़ी है गाइस इसकी डॉलर से, डॉलर ऊपर आओ बाबू। मैं आधी तक नहीं डरता डॉलर से। हम क्यों डरेगा, मैं घर पे दो जर्मन शेफर्ड है, दो जर्मन शेफर्ड है इसके घर पे। मैं भूल गया लेकिन वो भी तो एक डॉलर ही है। बट डोंट पुट इट सो लॉन्ग। नहीं नहीं भाई एडिट करता है उससे डॉलर आते हैं, इसी की वजह से आपके पास आ रहे हैं अभी एड रेवेन्यू। मेरे को नहीं आ रहा, मेरा एडिट नहीं करता ये। कभी 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 थैंक यू फॉर द सर्विस, उन टी वाई एफ एस उन सब मदद के लिए थैंक यू फॉर द सर्विस। आपके वो मॉडल जी स्ट्रीम कर रहे हैं? यस। हमें वहाँ जाके मिलना पड़ेगा उनसे। ठीक है आप नहीं मिले उनसे? नहीं ठीक है हम मिल लेते हैं। आदि इज वेरी सैड, उसके सब्सक्राइबर्स जो है माइनस में चल रहे हैं, लास्ट 28 डेज में -80 चल रहा है। तुम लोग से लेकिन अच्छा चल रहा है। मेरे से तो अच्छा चल ही नहीं सकता, मेरे तो प्लस। अच्छा प्लस में चल रहे हो तो? और ओह माय गॉड, अरे प्लस में चल रहे हैं ब्रो, डेली मेहनत करता हूं, व्लॉग्स डालता हूं गाइस। जाए वो जाके SHUL आदि के चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें, लेकिन कुछ आने वाला नहीं है करिए, लेकिन इसमें कुछ आने वाला नहीं है। तुम मेरे वीडियो का BTS डाल दिया करो अपने अपने चैनल पे, ठीक है? BTS डालेगा हां रिटायरमेंट के बाद सबका। अच्छा पूरा वो वाला BTS जो तुम्हारा ड्राइविंग है ना, मैं भी ऐसे ही BTS डालूंगा। कल रात में जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, उसका BTS मैं डालूंगा। कल आदि जो गाइस डांट पड़ी है, आंसू 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 हो गया आदि। जितना भी डेटिंग ऐप है ना पॉपुलर सब पे जाके एक बार आप सर्च करना है, स्वराज चौहान स्वराज सर्च किया चूतिए, इसलिए तो बोलता पोगो देख जाके। बहनों देवी और सजनों जी जी जी, तो अभी हम मामा के फोन की तरफ गौर फरमाए हम जरा लो। तो वो जो आपको येलो वाला फोन दिख रहा है, येलो वाला ये वाला हाँ, ये मामा का कॉलिंग फोन है, इसमें लोग मामा की कॉल आती है, ठीक है। ये वाला जो फोन है, ये वाला कौन सा? ये वाला S22 अल्ट्रा, और ये वाला S23 अल्ट्रा। डॉलर्स डॉलर्स मैक्स तो नहीं है ना, ठीक है। ये वाला इनका व्हाट्सएप वाला फोन है, ये
ये कौन सा है? ये कॉलिंग वाला, ये कॉल उठाते हैं इससे। और ये इसमें व्हाट्सएप चलता है, एक इंस्टाग्राम वाला फोन रह गया बस लेना। वो उसमें उस पे क्या होता है? ये मैम का है, ये इनका है। अच्छा, और इस ये फोन है, इससे ब्लॉग होता है। ओह अच्छा, ओह तो मैं भूल ही गया। नोट ऐसे भी, मैं जब जाऊंगा अलीगढ़ तो मेरा एक दोस्त है खरीदना चाहता है फोन, तो मैं उसको सेल कर दूंगा ये फोन। खत्म, गुड थॉट। एक सेकंड, सेल कर देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे ना ब्रो, यही तो दिक्कत है। सही बात है गाइज, अभी मांबा जा रहे हैं, तुमने बता दिया। हाँ, ताइवान। तो ताइवान जा रहे हैं, ताइवान में क्या इलेक्ट्रॉनिक बहुत बहुत डर्ट चीप प्राइसेस पे मिलता है, तो मेरे लिए भी कर लेना मेरी। तुम क्या लाओगे? अरे ताइवान में कुछ नहीं मिलता है। इनको सुनो, इनको सुनो, ताइवान में कुछ नहीं मिलता। शक्ल दिखाओ इनकी। सुनो, तुम सुनते ही टॉपिक मत चेंज करो मामा। मैं तुमसे हर लास्ट तीन व्लॉग से पूछ रहा हूँ मैं तुमको, क्या लाओगे मेरे लिए? गाइज आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो कि कोची के लिए गिफ्ट लाना। तुम में क्या मंगाना चाहिए? आपकी शक्ल देख के मुझे लगता है कि आप सेक्स टॉय के बहुत शौकीन लगते हैं। ये तुम डालोगे? क्यों नहीं, ये तो क्रिसमस वीडियो में है। सुनो, पहली बात तो मामा, सेक्स टॉय ना सिर्फ छोड़, ज्यादा डिटेल हो जाएगा। नहीं बताए बताए, आप बताए क्या है सेक्स टॉय? मतलब सेक्स टॉयज लड़कों के लिए भी होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी गंदी बात नहीं है कि इनको सेक्स टॉयज चाहिए। तो आपको आपका अगर मांबा लाके दे रहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका परसेप्शन सेक्स टॉयज की तरफ से वाला है। ऐसा है तुम्हारा? मतलब मेरा परसेप्शन ये था, इसकी लाइफ में लड़की नहीं है। करते हैं लोग यूज। हाँ तो वो ला सकते हैं ना तुम्हारे गिफ्ट में? ला सकते हैं, ला सकते हैं। तीन दिन से ब्लॉग में गाली खा रहा हूँ गोल्डी भाई से। गाइस फाइनली मिल लीजिए हमारे प्यारे गोमलू मोहन, तमीज से गोल्डी भाई, तमीज से बात करो गोल्डी भाई हमारे। लेकिन गोमलू मोहन आप पे अच्छा लगता है, गोल्डी भाई आप कैसे हैं? बोलू क्या अच्छा लगता है? माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए, जाने दिए। कैसे हैं भाभी? कैसी है? अंकल कैसे हैं? आंटी कैसी है? आप कैसे हैं? मैं सब, वो बात तो गोल्डी भाई ने स्ट्रीम में जाके बता दिया था। सब बढ़िया। तो अब मेरे को बताइए ना, सब अच्छा है? सब सब अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आप बताए। मैं बिल्कुल बढ़िया, दुआ है आपकी। नाराजगी होगी तो आप यहाँ सेटल में नहीं होगी। गाइस पिछले 15 घंटे से एक लड़का आया हुआ है इस गेमिंग हाउस में और एक बार भी मुझसे नहीं मिला है। ये तुम्हें शर्म नहीं है क्या? वो टॉल है ना, टॉल कर एलेवेंस। पहला दिन है, मिलना मिलना नहीं है क्या भाइयों से? नाटक क्या कर रहा है? मिल लिया मेरे से स्ट्रीम पे आके। लोगों से कौन, बाकी कौन है? माफिया मर्सी सबसे मिल चुका, उमंग आदि सबसे मिल लिया, गोल्डी भाई एवरीवन। टाइम स्पेंड नहीं करेगा? नहीं नहीं मैं नहीं करेगा, हो गया चलना। ना ना चांस ही नहीं, भेज दो यार। नो भेज दो यार गाइस। नो हो गया, हम इधर टाइम स्पेंड करने आए भाई। 6 घंटा हो गया यार। आ रहा हूं। देखो तो सुबह 11 बजे पूरा ये है मेरा, तभी तो कह रहा हूं कल फिर बिजी होगा तू। आ रहा हूं 10-15 मिनट में, आना खत्म हो जाएगा तब आता हूं। आना आएगा ना? आ रहा हूं। बाय भाई, ड्रीम कम ट्रू है गाइस। भाई हम सब में प्रीमियर लीग का जोश फिर जगा रहे हैं पूरे गेमिंग हाउस में। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वॉच प्रीमियर, यूज्ड टू वॉच। बैठ के देख ही रहे थे रियल मैड्रिड और लिवरपूल का, सभी देख रहा था स्ट्रीम करते करते। लेकिन सब में मैंने जब एसटीएल बना था ना, उसके बाद रियलाइज किया था बहुत सारे लोग जो है वो लोग प्रीमियर लीग फॉलो करते थे एक टाइम पर। तो हम उसको आग को फिर से जगा रहे सबका। एक नंबर गाइस ये लेकर आया मॉर्टल हमारे लिए। मॉर्टल नहीं है, मैं और थग लाए हैं दोनों। मॉर्टल और थग लाए साइज सही है? साइज हाँ सही लग रही है, एकदम सही लग रहा होगा भाई। लेकिन एक नंबर। लेकिन ओल्ड ट्रैफोर्ड और स्टैमफोर्ड ब्रिज में जेन्युइन नॉट बीइंग अ चेल्सी फैन, क्या क्या बढ़िया स्टेडियम लगा सीटिंग वाइज तो वो लोग का बड़ा है ना। और अरे वो नंबर तो छोड़ो, स्टैमफोर्ड ही अच्छा लगेगा, मतलब कुछ भी हो जाए अच्छा लगेगा। मैं बहुत वहाँ पे जाके फील कर रहा था, मतलब स्टैमफोर्ड जाके जो मेरे को ओल्ड ट्रैफोर्ड में फील नहीं, ऑब्वियस है वो सपोर्टर रहा हूँ, ब्यूटीफुल दोनों स्टेडियम है, लेकिन फील का वहाँ स्टैमफोर्ड। लेकिन रॉयल फीलिंग कहाँ पे आ रहा था? ओल्ड ट्रैफोर्ड तो बहुत आ रहा है, तुम कितना गाइस ये जो पहन के फील आ रहा है ना, मतलब ये सिर्फ एक मैन्यू फैन ही बस समझ सकता है। मतलब मैं याद है शायद 2006 से आई हैव बीन अ मैन्यू फैन, ऑल दो मैनी पीपल माइट से, बट हाँ रोनाल्डो की वजह से इट स्टार्टेड, बट इट डिड नॉट एंड टिल क्रिस्टियानो। बट ऑल दो 2013-14 के बाद से मैन्यू हैज सीन द बर्स्ट ऑफ टाइम्स, बट ठीक है कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है। अब मैन्यू ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है एंड आई होप ज़बरदस्त अगले सीज़न और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। बट खैर ऑफ टॉपिक, ये पहन के बहुत अमेजिंग फील आ रहा है, मतलब
बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू मॉर्टल एंड टच। मुझे खेलने का मन है और मामा मैं पूछ के आया था, अभी भी मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे बस ये याद है तुमने कहा मामा मैं स्ट्रीम करके आ जाऊं, मैंने कहा आ जा। तो मैं स्ट्रीम ही कर रहा था, पूछो ना सिर से लास्ट इसी गेम में, पता था कि आप यहां पे होंगे। मैंने बोला मामा मैं आपके आपके सेटअप पे स्ट्रीम कर लूं, आपने बोला ठीक है कर लो, ये था क्वेश्चन मेरा। इतने शोर शराबे में मेरे को आवाज नहीं आई, लेकिन उनको भी आ गया, लेकिन ये लोग खेल रहे हैं गाइस और कुछ तो कितना जानने वालों के अगेंस्ट जो है इन लोगों का मैच हुआ है, दो दो और दोनों हराए इन लोगों ने। नहीं नहीं बहुत डिले चल रहा था शायद, एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। छी ऐसा आता है आपका? अब मैं बताऊं कौन आ गए, कौन स्काउट वाले आ गए लोग उनका, हाँ उनका 11 कुछ चल रहा है। सही है इन लोगों का, मैं इतना ये सब देख के दिल कर रहा है गाइस खेलने का, और ये लोग पता नहीं किन किन के साथ या जानने वालों के साथ क्यों लग रहा है इनका, अब ये देख के और मन कर रहा है। ऐसे धोखे देते हैं ऐसे, बाय द वे वो मेरी आईडी नहीं है, उससे कृतिका खेल रही है क्योंकि उसमें स्किन्स अच्छी है, समझ रहे हो ना। जल्दी बताओ। खैर अब हमारे पास कुछ करने को नहीं है तो हम जाते हैं। और Forever alone, your brother. ये देख लो। अबे तो switch तो ज़्यादा क्या लगता है मेरा setup guys? अबे वो बोल रहे dodge करने को बोल रहे हैं वो लोग। लगता है मेरा setup? हाँ। भाई मैंने ऐसे देखा है क्या लगता है मेरा setup entry पे? बहुत ज़बरदस्त colors है। खैर तो ये लोग खेल रहे हैं guys, हम चलते हैं सोने के लिए। ये लगा लेना। This is the new match. Wow man. Yes bro. Just got it. Yeah. इसको लगाइए, कुछ तो करिए। बैठे हुए फ्री बर्ड में खेले जा रहे हैं। सो खैर गाइस यहाँ पे अपना आज की जर्नी, आज के डे की जर्नी समाप्त होती है, और इसी तरीके से बहुत एपिक डे था। I got this finally and the टोपी जो ये भी छीन ली इसने। ले 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 ले। तो खैर मिलते हैं गाइस आप लोगों से कल, और बहुत सारे मजे, बहुत सारी मस्ती, बकचोदी एंड एवरीथिंग के साथ। अंटिल देन एंजॉय करो अपनी लाइफ, अपना डे, अपना सब कुछ। और ये अगर व्लॉग पसंद आया हो, और अगर ये व्लॉग आपके डे में कुछ थोड़ा सा भी बेहतर कर पाया हो तो ज़रूर प्यार देना, कमेंट सेक्शन लाइक करना, एंड अगर न्यू ऑन द चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले दिन, अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय, सी या, बाय बाय गाइस।